दोस्त डॉक्टर स्मिथ, आज मैं बहुत ही अमेजिंग आपको जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट की मैं आपको बहुत अच्छी नॉलेज देता हूँ दोस्तों। हमारे 2 दिन की वर्कशॉप रखती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लगाते हैं दोस्तों एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, दिल्ली में रेगुलर लगती है दोस्तों और देश में अलग अलग सिटीज़ में टाइम टू टाइम लगती रहती है दोस्तों। आज मैं बहुत बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आया हूँ दोस्तों, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो दोस्तों वो इंडिया में इम्पोर्ट कैसे कर सकते हैं दोस्तों। कौन कौन से मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हैं दोस्तों इंडिया में इम्पोर्ट कर सकते हैं, इम्पोर्ट के जो पोर्ट हैं, कांडला है दोस्तों हमारा, चेन्नई पोर्ट है दोस्तों साउथ इंडिया में, मुंबई पोर्ट है दोस्तों, बेंगलुरु पोर्ट है, यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हैं दोस्तों, बाय प्लेन भी कर सकते हैं दोस्तों, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI में इम्पोर्ट कर सकते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर भी आप इम्पोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये मैंने आपको इम्पोर्ट के बारे में, प्लेन और एक्सपोर्ट के बारे में आपको बताया, कौन कौन सी चीज़ आप कहाँ कहाँ से इम्पोर्ट कर सकते दोस्तों। टंग डिप्रेसर है दोस्तों, ये आप नॉर्वे से बहुत अच्छा है दोस्तों मिलते हैं ये। इन्फ्यूज़न पंप है, ये भी आप नॉर्वे से इम्पोर्ट कर सकते हो दोस्तों। आर्टिफिशियल पेस मेकर दोस्तों नॉर्वे से और स्विट्ज़रलैंड से इसको इम्पोर्ट कर सकते हो, इनकी क्वालिटी बहुत स्टैंडर्ड की होती दोस्तों, जो पोलर रीजन के यूरोपियन कंट्रीज में क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने इनके नाम आपको बताया दोस्तों। प्रेशर मैट्रेस है दोस्तों, ये आप इंपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों, ताइवान से इंपोर्ट कर सकते हैं, चाइना से इंपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। इंसुलिन पंप है दोस्तों, आप इसको जर्मनी से इंपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। ब्रेस्ट पंप है दोस्तों, इसको आप जर्मनी से इंपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। नेबुलाइजर है दोस्तों, ये इंडिया में ही दोस्तों बनता है, लेकिन फिर भी अगर अच्छे स्टैंडर्ड का चाहिए तो दोस्तों चाइना से इंपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। हॉस्पिटल बेड है, अपने कंट्री में बनता है, और जो दोस्तों जो रोबोटिक्स बेड हैं दोस्तों, आप उसे ताइवान से, साउथ कोरिया से इंपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिक व्हील चेयर है दोस्तों, आजकल दोस्तों स्मार्ट चेयर आ गई हैं, तो आप साउथ कोरिया से, जापान से और चाइना से इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये वो चेयर है जिनके स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो जाती है और उनका जो बॉटम का पोर्शन है वो आपका नर्वस सिस्टम से उसका ब्रेकडाउन हो जाता है और वो काम नहीं करता, तो इस इलेक्ट्रिक डिजिटल स्मार्ट चेयर है दोस्तों, साउथ कोरिया, जापान और चाइना से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। स्टेशनरी ऑक्सीजन टैंक है दोस्तों, ये चीज़ आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये चीज़ आप इंपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों, ये मैंने आपको बताया दोस्तों। बहुत ज़्यादा डिमांड है इस चीज़ की, डायग्नोस्टिक किट है, ये आप इंपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। रीज़न इज़ दैट जितने भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की चीज़ इंपोर्ट होते हैं उस पर दोस्तों इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट बहुत कम लगाती है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी से, ह्यूमैनिटी से, इंसानों के अच्छे के लिए हैं दोस्तों, इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी इन पर कम लगती है। आप इनको इंपोर्ट कीजिए, और देश में बहुत कंजप्शन है क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए यहाँ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों हमारे 2 दिन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दिल्ली में होती है रेगुलरली, टाइम टू टाइम अलग अलग सिटीज़ में होती रहती है दोस्तों। पहले दिन मीडिया के रूल रेगुलेशन के बारे में बताते हैं, इंडिया में कैसे लाइसेंस लिए जाते हैं, कैसे सैंपल भेजा जाता है, कैसे सामान इंपोर्ट होता है बाय सी के थ्रू या इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है बाय प्लेन के थ्रू, कुछ डिप्लोमेटिक तरीके बताते हैं जिससे आप बायर और सेलर ढूंढ सके और ये पता लगा उसको ये जेन्युइन बायर है, असली बायर है या ये डिफॉल्टर है। हमें कंप्यूटर प्रोग्राम भी देते हैं जो आप जिससे को आप अपने लैपटॉप पर इंस्टॉल करेंगे, सारे सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कीजिए करेंगे और जब वो बन जाएंगे तो आपके मेल पे आ जाएंगे दोस्तों। आपको किसी के पास भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत अच्छे स्टैटिस्टिक आपको मिलेंगे, आप कैसे कहाँ कहाँ आप उसको आप कहाँ कहाँ आपको बेनिफिट होगा दोस्तों, क्या कहते हैं कहाँ कहाँ से आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में बेनिफिट होगा। सेकेंड जो हमारा कॉन्टिनेंटल एरिया रहता है, जिस देश में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो उस देश की क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है, रूल रेगुलेशन क्या है, ये चीज़ बताई जाती है दोस्तों। कुछ साइंटिफिक तरीके बताते जाते हैं जिससे आप पैकेजिंग करेंगे तो आपका सामान लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा दोस्तों। हमेशा दोस्तों एक चीज़ याद रखें, आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करें तो इंडिया के तो आपको लाइसेंसों के बारे में बताते ही हैं, उस देश के बारे में बताते हैं जिससे आप एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं। जैसे पहले हम सऊदी अरब एक्सपोर्ट करते थे तो इंडिया से तो एक्सपोर्ट चला जाता था, लेकिन अब सऊदी अरब में कंसाइनमेंट क्लियर नहीं हो पा रहा दोस्तों, कंसाइनमेंट क्लियर नहीं हो पा रहा दोस्तों, और उसके लिए रीजन इज दैट सासो का एक सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो गया है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, इन चीजों को जानना एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में, नॉट ओनली इंडिया बट आल्सो इन विच कंट्री और फ्रॉम दैट कंट्री यू कैन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, किस देश में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किस देश से आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके बारे में, रूल रेगुलेशन के बारे में हम आपको बताते हैं।
और दोस्तों साइंटिफिक तरीके बताते हैं पैकेजिंग की, जिसके आप जिससे आपका सामान लंबे समय तक दोस्तों ख़राब ना हो उसके। दोस्तों हमेशा बिज़नेस शुरू करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए पैसा कम, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा, आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, प्रैक्टिकल नॉलेज कम है, आपका बिजनेस लॉस में जाएगा दोस्तों। रीज़न क्या है, आप जितने भी प्रॉब्लम्स आएगी उसको सॉल्व करने के लिए पैसे का इस्तेमाल करेंगे, आपका मार्जिन घटता चला जाएगा। हमेशा दोस्तों लाइफ में याद रखें, अगर आपको नॉलेज मिल रही है तो उसको जरूर लें, बिकॉज नॉलेज इज पावर इन द मॉडर्न एरा। इस समय नॉलेज ही पावर है। नॉलेज को आप ऐसा ना माने कि मैंने इस पे जो इन्वेस्ट किया दोस्तों, हमेशा नॉलेज पे जब आप इन्वेस्ट करते हैं वो 2, 3, 20, 50 टाइम्स होके आपको मिलता है। तो आप नॉलेज के लिए आप पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए दोस्तों। पुराने वीडियो जरूर देखिए, 190 कंट्री के बारे में बहुत अमेजिंग जानकारी दे रखी है दोस्तों। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिमाग में क्वेश्चन हो, स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है, मेरा नाम डॉक्टर सुमित है, आप मुझसे कॉल करेंगे, मैं आपको उसका आपकी आप मुझे प्रॉब्लम बताएंगे, मैं उसका आपको सोल्यूशन बताऊंगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।